एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, दिस इज आवर सेट 7 और इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 120 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, जो कि आप इस सेट के बाद भी जाके देख सकते हैं। उसमें 120 क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि रिलेटेड पॉइंट्स है उस क्वेश्चन से और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Our first question is, who was the Prime Minister of Britain at the time of commencement of Government of India Act 1858? तो ये जब Government of India Act 1858 आया था, उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड पामस्टर्न। We have the next question, when were Morley Minto reforms सेकेंड प्लेस कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था वो कभी आया था, वो कभी हुआ था, तो ये हुआ था 1909 में। सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो ये सब आप एक बार नोट कर लेंगे। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो कभी आया था, 1909 में आया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में हुआ क्या था, तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसमें इंडियंस पार्टिसिपेशन जो था वो किसी लिमिट तक बढ़ गया था, वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गया था। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पार्ट नहीं था, मतलब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड ये पॉइंट नहीं है। तो सारे के सारे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। सी, मैंने ना हर एक क्वेश्चन के बाद आंसर को कलर करके रखा है, हाईलाइट करके रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वॉइस सुनने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो जरूरत नहीं है कि आप वीडियो सुने और वॉइस सुने तभी आपको क्वेश्चंस आप सही से देख पाए या फिर याद कर पाए। जो मैं बोल रही हूँ ना वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे भी रहे हैं, तो आप यहाँ से आंसर्स भी आप देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन रह जाती है जो एक्स्ट्रा होता है, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगी कि PDF प्रोवाइड कर दूं। सो वी हैव द क्वेश्चन, Which of the following is not the part of Government of India Act 1935? तो Government of India Act 1935 से related यहाँ पे 4 points जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा point नहीं है, तो देख लेते हैं। This act provided for setting up the Federation of India comprising British Indian provinces, तो ये option आपका सही हो जाता है। Second है diarchy in provinces was replaced by provincial autonomy, तो डायर्ची को replace कर दिया गया था, ये भी सही है Government of India Act 1935 के द्वारा। तीसरा है the post of Indian Council of Secretary of State for India made permanent, ये permanent नहीं बनाया गया था, तो ये option आपका गलत है। The diarchy was introduced at the center, सेंटर में डायर्ची इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कभी किया गया था Government of India Act 1935 के द्वारा ये किया गया था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो एक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये 1935 ये इफेक्ट में कभी से आया था, ये आया था 1937 से इसको लागू किया गया था, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लागू कभी से किया गया था, वो किया गया था 1937 से। और ये रिपोर्ट जो है ये इसको लीड किसने किया गया था, ये सेलेक्ट कमिटी बिठाई गई थी जिसको लीड कर रहे थे लॉर्ड लिथगो। तो ये जो लिन लिथगो है इन्होंने ही इस रिपोर्ट को लीड किया था, इट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सेलेक्ट कमिटी ने लीड किया था जिसके हेड कौन थे, लॉर्ड लिन लिथगो। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लॉर्ड मॉर्ले, तो ये मॉर्ले जो है वो कौन थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के कभी से कभी तक थे, इनका टेन्योर क्या था, तो ये था 1905 से लेके 1910 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द एक्ट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
ये पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस पोस्ट से इस पोस्ट को कभी लाया गया? मतलब कि ये पहले जो भी गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कभी से कहा जाने गया जाना शुरू हो गया? तो ये हो गया द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसके बाद से ये गवर्नर का पोस्ट जो है वो गवर्नर जनरल का पोस्ट हो गया। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज रीजन फॉर द विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो पहले ये देख लेते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कभी विड्रॉ किया गया था। तो ये किया गया था आपको 12 1922 को। ओके, अब ये 1922 को जो चौरी चौरा इंसिडेंट है उसके बाद ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया था। और ये किया किसने था? ये किया था महात्मा गांधी ने। ओके, कभी किया था? ये किया था 12 फेब 1922 को किया था। और क्यों किया था? क्योंकि चौरी चौरा में ना, जो कि गोरखपुर में है, वहां पे 4 फेब 1922 को 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद ही गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था और वापस ले लिया था। अब यहाँ पे आप याद कैसे कर सकते हैं? सारे के सारे डेट्स ना एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 2 2 2 2, तो कैसे याद कर सकते हैं? 12 फेब याद कर सकते हैं। अब मंथ में आप काउंट करें तो 1 2 सेकेंड मंथ है फेब, तो 12 फेब हो गया, 1922 हो गया, 22 लोग को जलाया गया था, और ये 4 फेब को इन्होंने क्या किया था? 4 फेब को जलाया था, और 12 फेब को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो ऐसे आप एक शॉर्टकट ट्रिक अपना बना लीजिए डेट्स को याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गॉट मोमेंटम अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस? मतलब कौन सा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कब से कब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना वो कब से कब तक चला था? तो उसका ड्यूरेशन क्या था? कभी से स्टार्ट हुआ था और कभी तक चला था? तो ये 1920 से लेके 1922 तक चला था। आपको मैंने जैसे से ऊपर भी बताया है कि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया था? वापस ले लिया था। और कभी वापस लिया था? तो लिया था 12 फेब 1922 को वापस लिया था। फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, 22 पुलिसमैन को जला दिया गया था जिंदा, जो कि चौरी चौरा जो गोरखपुर में है वहां पे जलाया गया था। ओके, कब जलाया गया था? तो 4 फेब 1922 को। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुस्लिम लीग? यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि मुस्लिम लीग के रिस्पेक्ट में सही नहीं है? तो सारे के सारे ऑप्शंस पहले रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई नवाब सलीमुल्ला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकटा इन 1906। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत है। खैर, सारे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द लीग अपोज द स्वदेशी मूवमेंट। अब यहाँ पे जो है ना, ये मुस्लिम लीग जो है ये कैलकटा में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको ढाका में, जो कि कहाँ है? बांग्लादेश में। अब यहाँ पे देखिए, ये 1906 में हुआ था, ये सही है। एग्जैक्ट डेट आप यहाँ देख लीजिए, 30 दिसंबर 1906 में क्या हुआ था? ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग, यहाँ पे देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहला तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों किसने थी? तो नवाब सलीमुल्लाह ने। कब की थी? तो 30 दिसंबर 1906 में। 6 में कहाँ की थी? तो ये किया था ढाका बांग्लादेश में। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया था इन्होंने। और दूसरा क्या किया था? अपोज किसने किया था? सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, अपोज किसको किया था? स्वदेशी मूवमेंट को। तो ये हो गया आपका मुस्लिम लीग से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय इज करेक्ट। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स ब्रह्म समाज को लेके दिए गए हैं और राजा राम मोहन रॉय को लेके दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये दिए हुए सारे स्टेटमेंट्स में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि दोनों के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले केयरफुली सारे के सारे ऑप्शंस को रीड कर लीजिए। सो वी हैव फर्स्ट ऑप्शन इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। वी हैव सेकेंड ऑप्शन इज स्टार्टेड ब्रह्मो समाज। वी हैव थर्ड ऑप्शन सेट अप आत्मीय सभा इन कलकत्ता, मतलब इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज भी स्टार्ट किया था। फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं ट्रांसलेटेड वेदास एंड फाइव उपनिषद्स टू बंगाली लैंग्वेज। अब इन्होंने वेदास को और फाइव उपनिषद्स को बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। ये ऑप्शन ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले तो इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि राजा राममोहन रॉय देख लीजिए और उसके बाद आप सारे के सारे पॉइंट्स इसके नीचे नोट कर लीजिए कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, फिर क्या किया था आत्मीय सभा जो कि कलकत्ता में स्टार्ट किया था वो क्या था, और फिर थर्ड क्या किया था कि फाइव उपनिषद और वेदास को बंगाली में कन्वर्ट किया था। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाते। चलिए पॉइंट्स को एक बार और देख लेते हैं। Considered as a father of Indian Renaissance, started Brahmo Samaj, set up Aadmi Sabha in Calcutta, translated Vedas and five Upanishads to Bengali language. ये सारे के सारे चारों options आपको यहाँ पे सही हो जाते हैं। So we have right option is all the above. Now, Tito Mir's movement considered one of the Muslim reform movement mainly aimed at eradicating which of the following system? मतलब किस सिस्टम को इरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए ये टीटू मीर्स मूवमेंट जो है उसको चलाया गया। और ये बेसिकली ये टीटू मीर्स मूवमेंट जो था उसको मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम वन ऑफ द मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट ये है। और दूसरा है कि इसको क्या मतलब इसका मेन एम क्या था इसको इरेडिकेट करने का, तो ये था अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सैयद अहमद खान टुवर्ड्स एजुकेशन ऑफ मुस्लिम। मुस्लिम्स के एजुकेशन में सैयद अहमद खान का रोल क्या है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो सब ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए। और फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रॉड ट्रांसलेशन ऑफ बुक टू उर्दू, मतलब बुक्स का जो ट्रांसलेशन है इन्होंने किस लैंग्वेज में किया, आपको इन्होंने उर्दू लैंग्वेज में किया क्योंकि उर्दू एजुकेशन को ही इन्होंने इनको मुस्लिम एजुकेशन को बढ़ावा देना था। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। फाउंडेड अलीगढ़ मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फॉर स्प्रेडिंग वेस्टर्न साइंसेज, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। इनकरेज्ड पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन से आपका एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि इन्होंने आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कि इन्होंने अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी तो ये किसने की थी, सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख लीजिए कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नेम्स इज नॉट Associated with Theosophical Society. तो यहाँ पे जो भी options दिए गए हैं, I mean जो भी नाम दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा नाम है, कौन सा option है जो कि Theosophical Society से related नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि Theosophical Society जो है वो उसका foundation year क्या था, वो कभी found किया गया था, तो वो किया गया था 1875 में किया गया था। और इसमें से कौन सा ऐसा नाम है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत होगा, तो ये होगा बाल गंगाधर तिलक, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। सो वी हैव द क्वेश्चन हियर, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस
1857 से लेके 1859। फ्रेंड्स मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखा है, मैं सॉरी उस पे वीडियोस अभी नहीं बना पा रही है, टाइम इश्यू है इसकी वजह से मैं वीडियोस अभी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो वो जो लिस्ट है ना, उसमें आपको 30 to 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हैं और जो इंडिपेंडेंस से पहले की बुक्स हैं, वो सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर्स उस लिस्ट में आपको दिए गए हैं। वो मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। सो वी हैव द क्वेश्चन हियर इज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859 के इस बुक के ऑथर कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज आप इसको नोट कर लेंगे, हल्के में नहीं देंगे। सो वी हैव द ऑप्शन आंसर इज कार्ल मार्क्स, और ये पब्लिश कभी किया गया था, ये किया गया था 8 नवंबर 1911 को, 1 नवंबर 1911 को। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, ये जो कार्ल मार्क्स की बुक थी ना, जो कि इन्होंने 1857-1859 फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी, ये ना 1 नंबर की बुक थी, इसलिए इन्होंने 1 नवंबर को रिलीज किया, जो कि 1911 में इन्होंने रिलीज किया। किसने रिलीज किया? कार्ल मार्क्स ने रिलीज किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज द देवदासी सिस्टम प्रिवेल्ड इन इंडिया, ये देवदासी सिस्टम जो है ना, वो इंडिया में कहाँ प्रचलन में था, कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था साउदर्न इंडिया में, जिसमें लेडीज जो होती थी, जो लड़कियां होती थी, वो अपने आप को पूरा का पूरा गॉड के प्रति समर्पित कर देती थी। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक सत्यार्थ प्रकाश। तो जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, जो भी डेट्स हैं और जो भी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं मेरे हर एक वीडियोस में आपको बोलती चली आ रही हूँ, एंड दो तीन क्वेश्चंस मैं ऐसे डालती हूँ जो कि इन सब चीजों से ही, ऑर्गेनाइजेशंस एंड बुक्स एंड ऑथर्स से ही रिलेटेड होते हैं। तो प्लीज आप उन सबका एक नोट्स बना लीजिए खुद से। सो वी हैव द क्वेश्चन हियर इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश। तो इसके जो राइटर थे, इसके जो ऑथर थे, वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और 1875 में इन्होंने ये बुक जो है ना, ये हिंदी लैंग्वेज में लिखी थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875, और इन हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सारे के सारे हमसे पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक बार सारे स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया। ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम का वो आपको किया गया था। फिर सेकेंड ऑप्शन आप देख लीजिए, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये दोनों ही आपके लिए, और 1935 का जो है वो सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोज का रोज ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस एक से दो रिफॉर्म गवर्नर्स, और आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक पेज पे आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि रोज का मुझे कुछ अमेंडमेंट्स याद करना है, कुछ आर्टिकल्स याद करने हैं, कुछ मूवमेंट्स याद करने हैं। तो ऐसा कर करके आप सारा का सारा आप कंप्लीट कर जाते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द वायसराय, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 जो है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल, ठीक है ना, उसको वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन जो आपका है, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, राइट। द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज बिगेन ऑन द बेसिस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो ये 1833 में ये सही है। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि ये जो एग्जाम्स होते हैं ना सिविल सर्विसेज के, उसमें जो आपका सीसैट पेपर होता है, उसमें 33% मार्क्स लाना होता है, तो कभी इसको लागू कर दिया गया था, 1833 में लागू कर दिया गया था। इस तरीके से आप रिलेट करके सारे के सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। इट्स जस्ट और शॉर्टकट कि आप शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप चीजों को याद कर सकते हैं, क्योंकि डेट्स को याद रखना बहुत ही टफ होता है हिस्ट्री में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है ना, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे
गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने इसको फाउंड कहाँ किया था? तो इसको फाउंड किया था, सबसे पहले किया किसने था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले। सेकंड इसको फाउंड किसने किया था, सॉरी कहाँ किया था इसको फाउंड? तो ये किया था पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। किस ईयर में किया था? तो ये किया था आपको 12 जून 1905 को। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीजें नोट की गई है। 12 जून 1905 महाराष्ट्र में किया था, पुणे महाराष्ट्र में किया था। और सबसे पहले तो आप ये भी देख लीजिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने फॉर्म करने के लिए कौन से सोसाइटी को छोड़ा था सबसे पहले? तो सबसे पहले वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को उन्होंने छोड़ा था। किस सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए? तो ये फॉर्म करने के लिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन ईयर 1905। एग्जैक्ट डेट इज 12 जून 1905। आई थिंक हिंदी स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि सारे के सारे एक्सप्लेनेशन बायलिंगुअल है। फिर भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करें। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड मोपला रिवोल्ट टेकन प्लेस? मोपला रिवोल्ट जो है वो हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था, नाम से ही आप देख सकते हैं, केरला में हुआ था। केरल में ये मोपला रिवोल्ट हुआ था, और इसको मालाबार रिबेलियन भी कहा जाता है। ये चला कब से कब तक था? ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप एक शॉर्ट नोट्स इन सब का प्रिपेयर करिए। जो भी वीडियोस है ना, जो आप भी वीडियो देखते हो, चाहे इस चैनल पे हो चाहे किसी भी चैनल पे हो, आप वीडियो देखते हैं उसी वक्त एक शॉर्ट नोट्स उसका प्रिपेयर कर लीजिए। और दिन में अगर आप चाहें ना, तो वो 5 से 10 मिनट की ड्यूरेशन में आप 3 से 4 बार उस शॉर्ट नोट्स को आप देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो बार बार जब चीजें आप देखते रहोगे ना, तो वो बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बैक ऑफ माइंड आपके हमेशा चलता रहेगा। राइट, सो ये मालाबार रीजन ऑफ केरला में हुआ था। सबसे पहले तो केरला में हुआ था, केरला के किस पार्ट में हुआ था? तो हुआ था मालाबार रीजन में। हुआ कभी था? तो 20 अगस्त 1921 से लेके 22 तक हुआ था, और इसको मालाबार रिवेलियन भी कहा जाता है। ओके, सबसे पहले तो गांधी ने इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया था, और उसके बाद जब ये वायलेंट होने लगा ना, तो ये पीछे हट गया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि जब गांधी ने स्टार्टिंग में इसको सपोर्ट किया था, और जब ये रिपोर्ट वायलेंट होने लगा, जो रिपोर्ट मैं बोल रही हूँ, सॉरी, ये रिवोल्ट जो है वो जब वायलेंट होने लगा, तो गांधी जी साइड हट गए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड गिवन द स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन बॉम्बे एंड ड्रिफ्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन? मतलब डू एंड डाई, करो या मरो, ठीक है, लेकिन करो या मरो, मरो लेकिन मारो नहीं। तो ये मूवमेंट आप यही से याद कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक इस क्वेश्चन में ही है कि डू और डाई, मतलब मरने के लिए गांधी जी बोल सकते हैं, बट मारने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे आप। तो डू और डाई मूवमेंट रिजोल्यूशन जो है वो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ये डू और डाई स्लोगन जो है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हमारे पूजनीय बापू महात्मा गांधी के द्वारा। सो ये ऑन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ से किया गया था? बॉम्बे में 1942 में किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था फ्रेंड्स? इन्होंने दिया था डू और डाई। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट? मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स है ना, उनका लिस्ट आपको याद रखना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि क्या करते हैं ना, समटाइम्स ऑप्शन में आपको 2-3 लीडर्स के नाम दे देंगे, या फिर ए बी सी डी करके ऑप्शन दे देंगे, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, और आपको बोलेंगे एलिमिनेट द राइट वन, इसमें से कौन सा राइट है वो आप एलिमिनेट कर लीजिए। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ये सारे के सारे मैं आपको जो एक सेपरेट पार्ट हमारा, हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स को हम उससे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स और जो भी चीजें हैं कलेक्ट करके हम एक वीडियो में उसका सेपरेट बनाएंगे। लाइक जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हम उस वीडियो में डालेंगे, तो बहुत जल्द वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। सो वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट मॉडरेट?
तो मॉडरेट लीडर इसमें से कौन नहीं है? ये जो लिस्ट आपको दिया गया है नाम का, इसमें से मॉडरेट लीडर कौन नहीं है? तो ये थे बिपिन चंद्र पाल। अब मॉडरेट लीडर जो है वो कौन कौन थे वो देख लेते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय, आनंद चालू और दादा भाई नौरोजी। तो आई थिंक सिक्स छह नाम तो आपको यहीं पे मिल गया है लिस्ट बनाने के लिए, तो ये आप बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का 20 क्वेश्चन जो हमने कवर किया है। और जैसा कि आपने देखा है कि ये 20 क्वेश्चंस नहीं आ सकते, अगर आप देखो तो आप 40-50 क्वेश्चंस में इसको काउंट कर सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको इतने पॉइंट्स बताए गए हैं ना कि उन सबसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, या फिर आप यूँ कहिए तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो प्लीज अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस चीज को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सारे के सारे फ्रेंड्स उस चीज का बेनिफिट ले सके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।